सिवनी मालवा नगर की हर गलियों और नालियों को पक्का बनाने का कार्य के साथ ही नगर स्वच्छता का कार्य भी निरंतर जारी है। नगर पालिका परिषद द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना तृतीय चरण के अंतर्गत शहर के सभी 15 वार्डों में 80 लाख रुपए की लागत से सड़कों का डामरीकरण कार्य का विधायक द्वारा नगर के वार्ड नंबर 9 से सड़क भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर शुरू किया गया। सबसे पहले नगर के वार्ड नंबर 9 में पार्षद ईश्वरदास जमींदार की उपस्थिति में रेंज ऑफिस चौक से साई चौक तक डामरीकरण कार्य का विधायक प्रेम शंकर वर्मा नपा अध्यक्ष रितेश जैन द्वारा भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने कहा कि पूरे नगर में एक एक सड़क पक्की होगी। सड़क और नालियों का निर्माण कार्य चल रहा है। नगर में MPRDC की सड़क में गड्ढे हो रहे थे, उसका काम भी जारी है। नगर में सड़क नालियों सहित स्वच्छता कार्य जारी है। सिवनी मालवा साफ सुथरा हो और नगर स्वच्छता में इस बार फिर पुरस्कार प्राप्त हो। नपा अध्यक्ष रितेश जैन ने बताया कि हमारे द्वारा नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए शहर के सभी वार्डों में सड़क डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 9 में इसका भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। पार्षद ईश्वरदास जमींदार ने कहा कि नागरिकों ने जिस आशा और विश्वास के साथ चुना और भरोसा किया, उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नगर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष विधायक पर भरोसा किया है, उसे खंडित नहीं होने देंगे। हमें विधायक नगर पालिका अध्यक्ष से पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारी सड़क नाली सहित जो भी मांग है उसे पूरी कराया जा रहा है। आज कौन सी सड़क का भूमि पूजन किया गया है? आज रेंज ऑफिस चौक से राही चौक तक सड़क का भूमि पूजन किया गया है। साथ ही नगर की 27 सड़कों पे हम एक माह के अंदर डामरीकरण कर रहे हैं और 7 सड़कों पर हम सीमेंट कंक्रीट कर रहे हैं। ये सभी नगर की मुख्य सड़कें हैं, जिसमें लोखरताई रोड से बदामी लाल मार्ग, नर्मदा मंदिर मार्ग, रेलवे फीडर मार्ग, कल्लू चौक से अपना लोखरताई रोड, BRC मार्ग, राही चौक से कन्याशाला, ऐसी अधिकतर मुख्य सड़कें, शमशान घाट पहुंच मार्ग, जिनका नव निर्माण कार्य किया जाना है। सबको डामरीकरण होगा? नहीं, 27 सड़कों पर डामरीकरण होना है और 7 सड़कों पर सीमेंट कंक्रीट होना है। एक परेशानी है, थोड़ी सी दिक्कत, उसके कारण अभी हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं। नर्मदा पेयजल जो अभी केवल 800 मकान में पहुंची है और जिसे 4000 मकान में हमें शहर के पहुंचाना है, जिसकी स्वीकृति हमें शीघ्र प्राप्त हो रही है। ये सड़क बनाने के बाद इन सब में भी नर्मदा का पेयजल गड़ाना पड़ेगा तो सड़कें क्षतिग्रस्त होगी, इसलिए हम अभी थोड़ा निर्माण में थोड़ा पीछे चल रहे थे, लेकिन अब चूंकि बरसात ऋतु आ रही है और पास है, इसलिए हमने सब निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिए गए। इन सड़कों के निर्माण की क्वालिटी के लिए कोई कमेटी बनाई है क्या? ये सड़कों के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नई योजना कायाकल्प के अंतर्गत इस सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और इस कायाकल्प में 4 तरह की कमेटी, शासन की और नगर निकाय की, इसका बारीकी से मूल्यांकन और गुणवत्ता का जांच करेगी। पूरी गुणवत्ता पूर्ण सड़क बनेगी? बिल्कुल, पूरी गुणवत्ता पूर्ण सड़क बनेगी। कुल 4 इंच की मोटाई का हमें शहर की पुरानी सड़कों पर, जो सीमेंट की और डामर की है, नया डामरीकरण का कार्य 4 इंच मोटाई में करना है हमको। आज वार्ड नंबर 9 में सड़क निर्माण का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ और ऐसे पूरे सिवनी मालवा नगर की एक एक सड़क अच्छी सड़क होगी, शानदार सड़क होगी और सिवनी मालवा की एक एक नाली पक्की नाली होगी और सब इसकी हमने कार्य योजना बना ली है और वो इसकी हमने शुरुआत भी कर दी है। और अभी जो नगर के अंदर थे MPRDS का जो रोड है, वो उसमें भी जो गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं, उसके लिए भी हमने MPRDC को लिखा था, तो उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है और हम चाहते हैं कि सिवनी मालवा बढ़िया साफ सुथरा सुंदर नगर पालिका रहे और जैसा कि पहले हमने स्वच्छता में और अन्य विकास कामों में पुरस्कार प्राप्त किया है, तो सिवनी मालवा के अनुरूप सब अच्छे काम शुरू हो रहे हैं।